Good morning, students. In our previous lecture, we have completed our chapter number 10. In this lecture, we start our new chapter, chapter 11, Eating with Family. हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग्स लिखेंगे. वर्ड मीनिंग्स को हमने थ्री पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, वर्ड, प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग. अवर फर्स्ट वर्ड मीनिंग इज टूगेदर, TOGETHER, टूगेदर. टूगेदर मतलब होता है एक साथ. सेकेंड, मील्स, MEALS, मील्स. मील्स मतलब होता है भोजन. थर्ड, एडवांटेज, ADVANTAGE, एडवांटेज मतलब होता है लाभ. फोर्थ, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, STRONG, स्ट्रॉन्ग, BOND, बॉन्ड. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मतलब होता है मजबूत रिश्ता. फिफ्थ, एक्सपीरियंस, EXPERIENCES, एक्सपीरियंस मतलब होता है अनुभवों. सिक्स्थ, थॉट्स, THOUGHTS, थॉट्स मतलब होता है विचार. सेवन्थ, एटिकेट, ETIQUETE, एटिकेट मतलब होता है तमीज या शिष्टाचार. एट्थ, सोशल स्किल्स, SOCIAL, सोशल, SKILLS, स्किल्स. सोशल स्किल्स मतलब होता है सामाजिक कौशल. नाइन्थ, FLOOR, फ्लोर. फ्लोर मतलब होता है फर्श. टेंथ, फ्लेक्सिबल, FLEXIBLE, फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीला. इलेवेंथ, पोस्चर, POSTURE, पोस्चर मतलब होता है मुद्रा. ट्वेल्व, DIGESTION, डाइजेशन मतलब होता है पाचन क्रिया, पाचन शक्ति. थर्टीन, मोरल वैल्यूज, MORAL, मोरल, VALUES, वैल्यूज. मोरल वैल्यूज मतलब होता है नैतिक शिक्षा. लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 11, पेज नंबर 61. संजना एंड हर फैमिली ऑलवेज ईट टुगेदर. संजना और उसकी फैमिली हमेशा साथ में खाना खाते हैं. दे नेवर टेक देयर मील्स अलोन, वे अकेले भोजन कभी नहीं करते हैं. शी एंड हर फैमिली ऑलवेज वेट फॉर इच अदर फॉर हैविंग फूड टुगेदर. संजना और उसकी फैमिली हमेशा एक दूसरे का वेट करते हैं साथ में खाना खाने के लिए. दे ऑलवेज लिव हैप्पी एंड नेवर फाइट विथ इच अदर, वे साथ में खुश रहते हैं और एक दूसरे से कभी भी झगड़ा नहीं करते हैं. दे पास ऑन द वेजिटेबल्स टू इच अदर एंड शेयर द फूड, वे एक दूसरे को खाना परोसते हैं और खाने को मिल बांट कर खाते हैं. वाइल डिस्कसिंग देयर डेली इवेंट, दे क्रैक्स जॉयज एंड थस मेक द एनवायरमेंट हैप्पी, वे एक दूसरे की योजना के बारे में डेली डिस्कस करते हैं, डेली बात करते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे जोक्स से अपना घर का जो एनवायरमेंट है बहुत ही खुश रखते हैं, बहुत ही हैप्पी रखते हैं. द चिल्ड्रंस लर्न मोरल वैल्यूज, रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स एंड लव देयर यंगर्स ब्रदर एंड सिस्टर. बच्चे घर में नैतिक शिक्षा मतलब घर पे जो रीति रिवाज है उसको सीखते हैं और बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं और छोटों से बहुत ही प्यार करते हैं. एडवांटेजेस ऑफ ईटिंग टुगेदर, साथ में खाना खाने के कई लाभ होते हैं हम अब पढ़ेंगे. फर्स्ट, इट इज अ ग्रेट फन टू हैव मील्स विथ द फैमिली, साथ में खाना खाने से बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही
अच्छा लगता है। ईटिंग विथ फैमिली हेल्प अस इन मैनी वेज, साथ में खाना खाने से सब एक दूसरे की मदद भी करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ईटिंग टुगेदर क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अमंग द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, साथ में खाना खाने से सभी फैमिली मेंबर्स का रिश्ता बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, एक दूसरे के प्रति बहुत ही मजबूत रिश्ता बन जाता है। पॉइंट सेकेंड, इट ब्रिंग्स देम क्लोज टू वन अनदर, साथ में खाना खाने से और क्या क्या होता है, सब एक दूसरे से क्लोज आ जाते हैं। क्लोज आने का मतलब क्या होता है, सब एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं, एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, एक दूसरे से अपनी खुशियां बांटते हैं, एक दूसरे को सब कुछ बताना और एक दूसरे के साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से रहना, सब एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। पॉइंट थ्री, व्हाइल ईटिंग टुगेदर वी शेयर अवर एक्सपीरियंसेस थॉट्स आइडियाज विथ अवर फैमिली मेंबर्स, साथ में खाना खाने से सब अपने अनुभवों को एक दूसरे से बांटते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं, विचारों को एक दूसरे से बांटते हैं और अपने ओपिनियंस भी एक दूसरे को देते हैं, अपने जो उन्हें जो एक्सपीरियंस देना होता है वो भी एक दूसरे को देते हैं, साथ में खाना खाने के कई लाभ होते हैं। इट टीचेस अस टू शेयर फूड विद ईच अदर, बच्चों को सिखाया जाता है कि वह एक दूसरे से अपना खाना शेयर करें। नेक्स्ट, चिल्ड्रन लर्न नॉट टू वेस्ट फूड, बच्चों को सिखाया जाता है कि वे अपना खाना वेस्ट ना करें, अपना जो खाना है वो वेस्ट ना करें। नेक्स्ट, चिल्ड्रन ऑल्सो लर्न टेबल मैनर्स इटिक्वेट्स एंड सोशल स्किल, बच्चों को सिखाया जाता है कि वह बड़ों का आदर करें और उनसे रिस्पेक्ट से बात करें और उन्हें सोशल स्किल्स भी सिखाई जाती है। दोज चिल्ड्रन हु लर्न विद फैमिली हैव गुड मॉरल वैल्यूज, बच्चों को फैमिली के साथ खाना खाने से उन्हें एक अच्छी नैतिक शिक्षा मिलती है। नैतिक शिक्षा से मतलब, मॉरल वैल्यूज से मतलब क्या होता है कि उन्हें उनके जो बड़े होते हैं, दादा दादी होते हैं, वह उन्हें सिखाते हैं कि हमें ईमानदारी रखनी चाहिए, ट्रस्ट रखना, अपने हॉनेस्टी रखनी चाहिए, ट्रस्ट रखना चाहिए और कई पुरानी बातें भी उन्हें जानने को मिलती हैं बड़ों से। और नैतिक शिक्षा के अंदर हम एक दूसरे से हमेशा रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे से हमेशा एक दूसरे पर ट्रस्ट करें, एक दूसरे से कभी कोई बात बुरी ना कहें, ये सब चीज़ें क्या आती है, मॉरल वैल्यूज में आती है। ईटिंग फूड ऑन फ्लोर, फर्श पर बैठकर खाना खाना, इन पास्ट पीपल लाइक टू ईट वाइल सिटिंग ऑन द फ्लोर, पहले के समय में लोगों को क्या था, नीचे फर्श पर बैठकर खाना खाना ही पसंद था। दे आर सो मैनी बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग ऑन फ्लोर, नीचे बैठकर खाना खाने के कई लाभ भी होते हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि नीचे बैठकर खाना खाने से क्या क्या लाभ होते हैं। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव योर डाइजेशन, नीचे बैठे कर खाना खाने से अपनी जो पाचन शक्ति है उसमें भी बहुत ही चेंजेस आते हैं, बहुत ही इम्प्रूव आता है। नीचे बैठ के खाना खाने से हमारी जो पाचन शक्ति होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। इट हेल्प यू लूज वेट, नीचे बैठ के खाना खाने से हमें हमारा जो वजन होता है वो भी कम होता है। इट मेक्स यू मोर फ्लेक्सीबल, हमें नीचे बैठकर खाना खाने से अपना जो शरीर होता है, अपनी जो बॉडी होती है, बहुत ही फ्लेक्सिबल हो जाती है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स यू क्रिएट बॉन्ड विथ योर फैमिली, नीचे बैठकर खाना खाने के कई लाभ होते हैं, साथ में खाना खाने से क्या होता है, सबका जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। इट इम्प्रूव्स योर पोस्चर, नीचे बैठ के खाना खाने से अपना जो शरीर का जो पोस्चर है, मुद्रा जो होती है अपनी शरीर की, वो भी बदलती रहती है। अपन ढंग से बैठकर खाना खाते हैं तो अपने एक्सरसाइज भी होती है, हम पैर लंबे करते हैं, पैर बैठ के खाते हैं, पैर फोल्ड करते हैं, अलग अलग तरीके के पोस्चर बनते हैं। इट मेक्स
योर माइंड रिलैक्स, नीचे बैठ के खाना खाने से अपना अपनी अपना जो माइंड होता है वो भी रिलैक्स बनता है। नेक्स्ट, इट इज़ गुड फॉर योर बॉडी, नीचे बैठकर खाना खाने से हमारी बॉडी के लिए अच्छा रहता है। इट इज़ गुड फॉर योर हार्ट, नीचे बैठकर खाना खाने से हमारा जो हार्ट होता है उसके लिए भी अच्छा। आप इधर पिक्चर में देख सकते हैं कि सब फैमिली मेम्बर्स नीचे बैठकर खाना खा रहे हैं। मॉडर्न वे ऑफ ईटिंग, नए तरीके से खाना खाने लगे हैं। अब पहले लोग नीचे बैठकर खाना खाते थे, आजकल लोग क्या करते हैं, डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठकर खाना खाते हैं। नाउ एज द टाइम इज चेंजिंग, जैसे जैसे समय बदलता गया, समय आगे बढ़ता गया, पीपल सिट ऑन डाइनिंग टेबल फॉर ईटिंग फूड, लोग क्या करने लग गए, डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगे। डाइनिंग टेबल में क्या होता है, पहले चेयर लगी हुई रहती है, चेयर पर हम बैठते हैं, और बेंच लगी हुई रहती है, उस पर अपना खाना रखकर खाना, उसे क्या बोलते हैं, डाइनिंग टेबल। ऑल द फैमिली मेम्बर्स सिट ऑन द डाइनिंग टेबल एंड हैव देयर मील्स टुगेदर, आजकल पूरी फैमिली क्या करती है, डाइनिंग टेबल पर साथ में बैठकर अपना खाना खाती है। द ओल्डर मेम्बर्स लाइक ग्रैंड पेरेंट्स फॉर फाइंड इट ईजियर टू सिट ऑन चेयर्स रेदर देन ऑन फ्लोर एंड हैव डिनर, जो बड़े लोग होते हैं, दादा दादी होते हैं, बूढ़े लोग जो होते हैं, उनके लिए चेयर पर बैठकर खाना खाना बहुत ही आसान हो गया है नीचे बैठकर खाना खाने से। नीचे बैठकर खाना खाने से जैसे बूढ़े लोग होते हैं, किसी को घुटने में दर्द होता है, किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो नीचे नहीं बैठ पाते हैं, तो आज के समय में क्या करते हैं, डाइनिंग टेबल का यूज़ करते हैं, जिससे वो आसानी से चेयर पर बैठकर खाना खा सके अपनी फैमिली के साथ। वाइल सिटिंग ऑन चेयर वी शुड मेंटेन अवर पॉस्चर, ऊपर चेयर पर बैठकर खाना खाने से हमें अपना जो पॉस्चर है उसे मेंटेन करना चाहिए। हैविंग डिनर विथ फैमिली इज अ फन, परिवार के साथ खाना खाना बहुत ही आनंददायक होता है। सो वी शुड ऑलवेज हैव डिनर टुगेदर, इसलिए हमें अपनी फैमिली के साथ में हमेशा खाना खाना चाहिए। आप इधर देख सकते हैं कि सब आजकल कैसे खाना खाने लगे हैं, डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठकर खाना खाने लगे हैं। इट्स टाइम टू रिलर्न, फर्स्ट ईटिंग विथ फैमिली इज अ फन, साथ में खाना खाने से, फैमिली के साथ में खाना खाने से हमें बहुत ही आनंददायक महसूस होता है, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। सेकंड, वी लर्न सो मैनी थिंग्स व्हाइल ईटिंग विथ फैमिली, परिवार के साथ खाना खाने से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। थर्ड, ईटिंग विथ फैमिली मेक फैमिली हैप्पियर, साथ में खाना खाने से परिवार में खुशियाँ बनी रहती है। फोर्थ, ईटिंग विथ फैमिली हेल्प्स चिल्ड्रन लर्न मोरल वैल्यूज, रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स एंड लव देयर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, साथ में खाना खाने से बच्चे एक दूसरे की मदद करना सीखते हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट करना सीखते हैं, और छोटे भाई बहनों से प्यार करना सीखते हैं, अपना जो फैमिली का जो एनवायरनमेंट है बहुत ही अच्छा हो जाता है साथ में खाना खाने से।